अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास का दूसरा मरहला था और ज़ाहिर है ये भी 6 घंटे का इजलास हुआ और इसके अंदर फैसले जो है वो किए गए हैं और ज़ाहिर है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आइनी अज़म के साथ निबटने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना जो है अब एक मरतबा फिर उसी तवातुर से है जैसे माजी में हम देखते रहे हैं। ये लहर जो है ये हमारे नौजवान अफसरान और हमारे नौजवानों के लिए जहर कातल साबित हो रही है और ज़ाहिर है कि रोज़ हम नौजवानों के जस्ते खाकी जो हैं वो उठा रहे हैं, चाहे पुलिस हो वो एक फ्रंट लाइन रोल अदा कर रही है, दूसरी तरफ हमारी सरहदों के वो निगेबान जो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मसरूफ़ अमल हैं वो भी अपनी शहादतें जो हैं वो दे रहे हैं। फैसला साजी माजी में भी होती रही है, कानून माजी में भी बनते रहे हैं, लेकिन देखा ये गया कि ना उन फैसलों पर पूरे तरीके से अमल दरामद हुआ और जो कानून बने वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गए और उसका नतीजा जो है ये फिर ये निकला कि मामलात को दबा दिया गया। तसाहिल अपनी जगह पर है, सरफ नज़र भी अपनी जगह पर है और ज़ाहिर है कि दहशतगर्दी के अवामिल जो हैं उस पर से भी नज़रें हटा ली गई और ये सोच दिया गया कि बस ठीक है, हम कामयाब हो चुके हैं, अमन अमान जो है वो आ चुका है, लिहाजा अब मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान में हालात पलटे, अमेरिका वहाँ से गया, तालिबान की हुकूमत आई, तो फिर पता चला कि नहीं, अभी सूरत हाल जो है वो वहीं पर है जहाँ से हम शुरू हुए थे और ज़ाहिर है कि तालिबान की हुकूमत के साथ भी उस तरीके से मामलात आगे ना बढ़ सके और उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। TTP जो है और तालिबान जो हैं वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं और माजी के अंदर ज़ाहिर है कि जिस सतह पर उनसे मुज़ाकरात किए गए वो भी एक गैर संजीदा सूरत हाल थी और उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं। ये मामलात किस तरीके से दुरुस्त हो सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और तकनीकी एतबार से, कानून के एतबार से, पुलिसिंग के एतबार से, फ़ौजी एतबार से इस सूरत हाल को जो है कैसे लिया जाना चाहिए, इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मुमताज़ तजिया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अफजल शिगरी साहब, साबिक IG रहे और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। अच्छा शिगरी साहब, ये फरमाइएगा कि जाहिर है कि पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा निशाना जो है वो बन रही है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अब जो दहशतगर्दों के तरीक़ाकार में जो तब्दीली आई है वो ये आई है कि वो सिक्योरिटी के इदारों को जो है वो निशाना बना रहे हैं। CTD का वाक़या जो है वो एक बड़ा बन्नू वाला बहुत बड़ा वाक़या था। आपको क्या लगता है कि हम कोई भी फ़ैसला कर लें, बड़े सख्त एक्शन का फ़ैसला कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन रिएक्शनरी फोर्सेस तो यही है ना, तो अगर तसाहिल है आ गया है, तवज्जो हट गई थी, क्या मसला क्या है कि उस तरीके से नताइज नहीं मिल रहे जो पहले मिले थे? यह है, ये एंटी टेररिज्म के लिए मेरा ख्याल है वो लॉन्ग टर्म नहीं है। हमारा एटीट्यूड ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि भाई ये बस हो गया, ये क्राइम था, क्रिमिनल पकड़े गए, बात खत्म हो गई, अब ठीक है। टेररिज्म जो है उसका एक पूरा जो है एक पूरा साइकिल होता है और ये बहुत लॉन्ग टाइम आपको सस्टेन करना होता है और उसको सस्टेन करने के लिए आपकी सिविलियन पुलिस है क्योंकि वो ऑन ग्राउंड है, हर जगह मौजूद है, उसके पास इंटेलिजेंस भी होती है, उसके पास हर जगह उसकी मौजूदगी होती है। ज़रूरत इस अमर की है कि उनको ट्रेन किया जाए, उनके यहाँ स्पेशलाइज यूनिट्स जो है उनको रिसोर्स दिए जाए, लेकिन हमने छोड़ दिया। हम समझे कि सब मामला सीधे हो गए, सब कुछ ठीक हो गया। हमने ट्राइबल एरिया के अंदर जो पुलिस स्टेशन बनाए उनको बहुत स्ट्रांग और एक फोर्टिफाइड बनाना चाहिए था, हमने वो भी नहीं बनाया और उनके अंदर हमें बहुत सी नफरी रखने की ज़रूरत थी और पैरामिलिट्री फोर्स इनके साथ रखते, फ्रंटियर कॉन्स्टेबल रखते या फ्रंटियर कोर रखते, हमने वो भी नहीं किया और नतीजा आपके सामने है कि आज वो एक सॉफ्ट टारगेट बन गए। अच्छा, अब इसमें शिगरी साहब आप ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट तो बन गए हैं, लेकिन जब रिजॉल्व आता है जैसे अब हुकूमत का आया है
तो उसके नतीजे में क्या होना क्या चाहिए कि ये सॉफ्ट टारगेट जो हैं इसका इलाज हो सके, और जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम लोग कह रहे हैं कि हमने अब बड़ा सख्त कार्रवाई करनी है, बड़ा हार्ड हमने जाना है, वो किस तरीके से फिर मुमकिन हो पाएगा? मेरा ख्याल है कार्रवाई हो जाएगी आपकी, जब आर्मी जो है वो इस पर कार्रवाई करेगी, और वो जो जहाँ से जो इनका मंबा है, जहाँ से इनकी इब्तदा है, वहाँ पर जब कार्रवाई होगी, इनके बेसिस ख़त्म हो जाएंगे, इनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे, ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज और रीग्रुप नहीं हो सकेंगे, तो उसका इम्पैक्ट बहरहाल आएगा और उसके बाद हालात ठीक होंगे। लेकिन इन हालात को कायम और दायम रखने के लिए आपको पुलिस को इक्विप करना पड़ेगा, इनकी फर्दर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप ये भी देखिए कि सारे प्रोविंसेस ने अपने काउंटर टेररिज्म एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाए, और हर सूबा है, लेकिन उन्होंने अपने रिसोर्सेज और अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक उनका जो काम करने का तरीका कार या उनका जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है वो मुख्तलिफ है। और ज़रूरत इस बात की है, अब तो जब ये इतने बड़े वाकयात हुए हैं तो नेशनल पुलिस ब्यूरो जो है उसके अंदर एक नेशनल पुलिस मैनेजमेंट बोर्ड है, इनको पुलिस वालों को मिलना चाहिए था सारे IGs को, आपस में ये सारे इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करते, अपने तजर्बात से एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते, और फिर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर एक होलसम सारे मुल्क में हर कॉर्नर में जहाँ जहाँ इनके लिंक्स हैं वहाँ पर कार्रवाई होती। ये प्रेशर जब यहाँ से बिल्ड होगा और दूसरी तरफ से जब आर्मी एक्शन करेगी तो आपको नतीजे बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन इन नतीजे को मैं फिर रिपीट कर दूं कि सस्टेन करने के लिए आपको सिविलियन पुलिस जो है उसको ट्रेन भी करना पड़ेगा, और वो जो भी कार्रवाई करो वो फिर एक लीगल कार्रवाई हो, कानून के दायरे में हो, और आप कानून ऐसे बनाएं कि लोगों को सजाएं हो सके। ऐसे कानून न बनाएं कि सजाएं ना हो सके, आप हालात जो है आपके पास 19th century के हों और कानून आप 21st century का बना दो, तो फिर ये तो सब कुछ होना था आपके पास। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एंटी टेररिज्म लॉ जो है उसके अंदर बेहिसाब क्लॉज है, और उसकी वजह से वो बजाय इसके कि उसको एक लॉन्ग टर्म में हम इस्तेमाल करते, उनको मिस यूज किया गया, एंड ट्रेजिकली आपकी पोलिटिकल स्कोर सेटलिंग के लिए आपने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है आप पूरी कुव्वत के साथ इस अफरेद को कुचलेंगे, लेकिन मामला तो दूसरी तरफ है। अब अफ़ग़ानिस्तान के अंदर जो अवामिल हैं उनकी ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, और वो आपको अपने यहाँ कार्रवाई करने की इजाज़त भी नहीं दे रहे, उन लोगों को भी कुछ नहीं कह रहे। नतीजा ये है कि जो ब्रंट है वो हमारे ऊपर आ रहा है, यहाँ पे स्लीपिंग सेल्स हैं वो फाल हो जाते हैं। तो फिर ये क्या कुछ भी आप कर लें, क्या आप जब तक क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर कोई मेजर तब्दीली की ज़रूरत है? जी देखिए, इसकी बहुत जहतें हैं वॉर अगेंस्ट टेरर की, और मैं अपने दोस्त से सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जिस एंड पे वो बात कर रहे हैं वो है आपका लोकल शहरों में गलियों में इनसे कैसे निपटना है। पुलिस का काम है ये, पुलिस की सारी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोरल और मोटिवेशन, वो एक अलग मसला है जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, और इस एंड पे ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसके दरमियान और जहाँ से ये ओरिजिनेट होता है सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें और हैं जो आपके इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये सारा आपका नेशनल लेवल पे इंटेलिजेंस नेटवर्क की कोऑर्डिनेशन वो क्या है, आपकी किस लेवल पर जाकर ये कोऑर्डिनेट होती है, कौन है जो सारी इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करता है, फिर मनसूबाबंदी करते हैं, फिर उसके पीछे जाते हैं, और तीसरा जो बहुत बड़ा लेवल है जहां से ओरिजिनेट होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है। इसमें पोलिटिकल एंगल भी है और मिलिट्री एंगल भी है। काइनेटिक ऑपरेशन, यस हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हैं, इतला मिली उनके पीछे चले गए, लेकिन वो भी इसमें माहिर हैं, और जो रेगुलर फोर्सेस होती हैं उनके लिए इस किस्म की लड़ाई हमेशा से मुश्किल रही है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज काफ़ी ट्रेंड है, हमारी जो पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन एट द नेशनल लेवल जो सबसे बड़ा जो मुझे इसमें प्रॉब्लम हमेशा से नज़र आया वो ये है कि कोई आपका सिस्टमेटिकली इसके साथ डील करने का कोई तरीकेकार नहीं है।
आपके जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सुबाइयों की सुबाई जिम्मेदारी है, आईबी किसी और के अंडर है, इंटेलिजेंस आईएसआई उनके डिपार्टमेंट को और काम कर रहा है, और जो पॉलिटिकल इसके ऊपर ओवरसाइट होनी चाहिए वो आपने देखा कि जब ये 2014 में जब नेशनल एक्शन प्लान बना उसके बाद में आखिर 33 कमेटियां बनी थी और ज्यादातर के सरबराह उनके वजीर दाखिला थे उस वक्त। नेक्टा बनाया, नेक्टा को आपने फाल नहीं किया। तो ये आपको मुख्तलिफ स्टेजेस पर आकर, देखिए अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है, उन्होंने जब ये देखा होमलैंड सिक्योरिटी बनाई उन्होंने, उसको अनेबल किया कानून के जरिए भी रिसोर्स के जरिए भी, और वो एक जो है एक स्टैंडर्डाइज किस्म की एफर्ट थी उनकी और रिजल्ट आपके सामने है। ये बाकी भी जहां पे आप करेंगे पाकिस्तान को तो पता है कि पाकिस्तान का हर कोना हर जगह पे ये हमारे यहाँ ये मसला मौजूद है, जिसको भी आपको नेशनल लेवल पे टॉप पॉलिटिकल लेवल से लेकर उनकी जो एग्जेक्टिव लेवल्स हैं जहां पे आपके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, चाहे पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं या आपकी जो दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं, इनके साथ मिलिट्री का जो इंटरेक्शन है वो कैसे होगा। हमने बनाई थी कमेटियां जो बैठती थी मिलके बैठ के वो फैसले करती थी, फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते। तो ये वो बुक कमेटियां भी कुछ वो नहीं निकला। मैं आता हूँ ज़रा इसमें, शाखावर साहब ये फरमाइएगा कि जैसे शिगरी साहब भी कह रहे हैं कि कानून ऐसे होने चाहिए कि मतलब वो आपके हालात से मैच करते हुए हों, ये नहीं हो सकता कि खड़े आप 21वीं सदी में हैं और कानून आप चला रहे हों 1910 के। और फिर उन्होंने ये बात भी कही कि एंटी टेररिज्म लॉ जो है उसके अंदर भी फ्लॉज हैं, तो कैसे ये सूरत हाल, ये एंगल कैसे ठीक हो सकता है? जी नदीम हुसैन साहब, ये बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया जनरल साहब ने कि, और जो पॉइंट आउट किया कि ठीक है वो स्ट्रेटेजिकली तो डील करना हमारे आर्म फोर्सेस जो है वो बड़ी कैपेबल है और वो उसकी महारत रखती है, और पिछले काफी अरसे से उनको टेररिज्म से निपटने के लिए जो है उनको हिकमत अमली उनको पता है और वो बड़ी कामयाबी से माजी में करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जो कि कानूनी पहलू है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि 2013 में एक कुछ कवानीन बने थे, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2013 बना था, फिर फेयर ट्रायल एक्ट उसमें प्रोमलगेट हुआ था, फिर एक आपने देखा है कि फिर आईन में तरमीम भी हुई थी कि फिर में उसमें आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी कि जिसमें जो जो सिलेक्टेड हाई जो लेवल टेररिस्ट केसेस होंगे उनको फेडरल गवर्नमेंट जो कोर्ट मार्शल्स के लिए उनको रिकमेंड करेगी, मिलिट्री कोर्ट्स उनको डील करेगी, वो 3 साल के लिए एक अरेंजमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उसमें, पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी अमेंडमेंट की गई थी, और फिर ये जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है 2013 उसको भी बनाया गया था और उसको 3 साल के लिए लिमिटेड किया गया था, जो मैं नहीं समझता कि वो 3 साल के लिए मुनासिब था। उसके पीछे मकसद ये था कि जो फौजी ऑपरेशन के नतीजे में जो हार्ड कोर बहुत ही हाई टारगेटेड जो लोग पकड़े गए हैं उसमें, जो गिरफ्तार किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने आर्म फोर्सेस ने, तो उनको तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए, लेकिन उसके बाद जो दूसरे या तीसरे दर्जे के जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत ट्रायल किया जाए, उनका बाकायदा एक जुडिशियल सिस्टम था, वहां पे अदालतें बननी थी, उसके प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस बनना था, उसका पूरा मैकेनिज्म था, लेकिन हमने देखा है कि उस एक्ट के ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ, ना उसका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बनाया गया, ना उस लॉ के तहत 3 साल में जो अदालतें बननी थी वो मारे से वजूद में आई। तो वो एक प्रॉब्लम अभी तक वहां पे मौजूद है कि जो 2011 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के मुताबिक इंटरमेंट सेंटर्स बनाए गए थे जिसमें इन तमाम मिस्क्रियंट्स को जो पकड़ा गया था आपने, क्योंकि उसकी लॉफुल अथॉरिटी आपके पास नहीं थी, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी नहीं थे, वो आपके कानून के फोल्ड में भी नहीं थे, तो आपने उनको गिरफ्तार किया था, और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आप किसी को 24 आवर्स से ज्यादा किसी जुर्म में जो गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना पड़ता है। तो इसीलिए जो प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट बनाया गया था उसमें इन लोगों को ट्रायल किया जाना था, वो इंटरमेंट सेंटर में जो लोग थे उनका ट्रायल होना था, वो आज तक नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूं कि आपको जहां पे आपको फौजी हिकमत अमली बनानी है, वो मेरा ख्याल है कि है, उसके बाद जो पोस्ट जो मिलिट्री ऑपरेशन जो सिनेरियो है उसको टैकल करने के लिए, ये तो फिर
सिविलियन गवर्नमेंट का काम है, ये तो फिर पार्लियामेंट का काम है, ये तो फिर एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो ऐसी कानून साजी करें कि उसके नतीजे में जितने लोग जब गिरफ्तार हों तो उनको कैसे इंसाफ किया जाए। मैं इस तरफ आता हूँ, अब जन साहब आपसे मैं सवाल लेकर चल रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि जैसे अफजल शिगरी साहब ने जिस चीज़ की निशानदेही की और फिर शाखावर साहब ने तफसील से उसको एक्सप्लेन भी किया, अब जब हम इस तरफ जा रहे थे तो उस वक्त भी बैन अल-अक़वामी दबाव आ जाता है, इंसानी हकूक़ की बात होना शुरू हो जाती है, फिर हम एक साहिल की तरफ चले जाते हैं, फिर हम एक चीज़ों को कारपेट के अंदर दबाना शुरू कर देते हैं, एपेक्स कमेटियाँ जो हैं पता नहीं वो किधर रह गई और क्या उनका बना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब आज भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आपने फैसले कर लिए हैं कि आप बड़ी ताकत के साथ जाएंगे, मजहबी मुनाफरत, इंतहा पसंदी, लिटरेचर, सब चीज़ें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि जो अमल दरामद है फैसला साजी का वो 0/0 इज इक्वल टू 0। देखो, जो मैं आपके पहले सवाल के जवाब में यही मैं बात कर रहा था ना कि हमारा जो टोटल मैकेनिज्म है वो बड़ा डिसजॉइंटेड है, उसको आपको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है जिसमें मुख्तलिफ लेवल्स हैं। पहले तो आपका पॉलिटिकल लेवल है जहां पे कोई एम्बिग्युटी होनी चाहिए नहीं है लीडरशिप में। उसके बाद जो आपके दूसरे एलिमेंट्स हैं, इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स हैं उनकी, और ये जो हम बार बार ही कहते हैं कि हम आनी हाथों से लिपटेंगे तो वो कैसे होगा। जो जिस सवाल की तरफ आप इशारे कर रहे हैं वो आपका पोलिटिकल ओवरऑल जो सिस्टम है उसकी तरफ बहुत आम है। उसके लिए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है दे शुड टेक द ओनरशिप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वर्ल्ड सेज। पाकिस्तान के हालात पाकिस्तान के हालात हैं, दुनिया कोई और मुल्क इतनी देर इतनी ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार नहीं रहा, और अगर हुआ जरा सा भी तो देखिए उन्होंने स्पेशल कानून बनाए उस पर अमल किया उन्होंने, दुनिया ने जो भी कहा उन्होंने उसकी फिक्र नहीं की। पाकिस्तान का अमन पाकिस्तानियों के लिए अहम है और इसके लिए हमें जो कानून भी चाहिए, जो तरीकाकार भी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए सूट करता है, पाकिस्तानियों को सूट करता है, पाकिस्तान के अवाम की बेहतर के लिए है, हमारे अमन के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें वो करना पड़ेगा, उसकी पॉलिटिकल ब्रंट हमें लेना पड़ेगा, अब फ्रंट होके और फ्रंट फुट पे आके हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को खेलना पड़ेगा, तब आप ये जो इंटरनेशनल जो क्रिटिसिज्म है आपका उसको आप कर सकते हैं बात उसके ऊपर, और हम बड़े खुले दिल से हमें बात करनी चाहिए, बगैर खौफ के बात करनी चाहिए हमें। दूसरी तरफ ये है कि जो होता है ऐसे मामला में एक्सेसिव हो जाती हैं उनको आपने गार्ड करना है, क्योंकि आपके अपने मुल्क में अपने मुल्क के लोग भी साथ इसमें शामिल हैं, कहीं ये जो सो कॉल्ड कोलैटरल डैमेज है वो हमें मिनिमाइज करने के लिए वो बहुत ज्यादा अहम जरूरी इस बात की है कि लोगों को ट्रेनिंग भी हो और साथ आपके जो पुलिस के एलिमेंट्स हैं वो टोटली इन्वॉल्व हो इसके साथ, क्योंकि वो लोगों को पहचानते भी है, जानते भी हैं और उनके पास इंफॉर्मेशन भी जो इमीडिएट नेचर की जो फौरन वहां की जरूरत होती है वो मौजूद होती है। तो ताकि ये जो बार बार कहा जाता है कि हम बेगुनाह को मारे गए हैं, मैं जनरल साहब इसमें मेरा एक सवाल है लेकिन चूंकि मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, अब अफजल शिगरी साहब ये फरमाइएगा कि हर इंसानी जान की एक अहमियत होती है, आप उसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, और जाहिर है कि चाहे पुलिस हो चाहे फौज हो, हम नौजवान ऑफिसर्स और फिर अपने जवानों के जस्ते खाकी उठा रहे हैं और बड़े तसलसल के साथ उठा रहे हैं, और अब ये एक दफ़ा फिर नए सिरे से ये वेव जो है ये आई है। ठीक है, वो वक्त था जब ये सारी चीज़ें जो हैं इवॉल्व हुई थी और उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के साने ने एक किरदार अदा किया था, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे जो फौज है उसके नौजवान ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप कार्रवाई की बात कर देंगे, आनी हाथ से निपटने की बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो उस वक़्त भी आप बात करते थे कि पुलिस फोर्स जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिए सब कुछ है, लेकिन अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जब अफगानिस्तान में भी एक ऐसी हुकूमत है जो तालिबान की है,
वो टीटीपी के एक ही सिक्के के दो रुख हैं। हम टीटीपी के साथ बात भी करना चाह रहे हैं और फिर ये भी कह रहे हैं कि नहीं, दहशतगर्दी भी नहीं होने देनी। तो कैसे ये इवॉल्व होगा सिस्टम कि जो ये इंश्योर कर सके कि ये हमारी इतनी कीमती जानें तो इस तरह ना जाएं? दो चीज़ें, एक तो ये है कि एक प्लान बना, जो एक्शन प्लान था उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। दूसरा जो है आपका जो एंटी टेररिज्म लॉ की हम बात करते हैं, आपने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स भी बना दी, उनके केसेस को सिर्फ आप देख लीजिए, उसमें 80% केसेस जो टेररिज्म के केस है ही नहीं। तो मेरा ख्याल है जब आपका हाल ये हो कि आप एक अच्छा खासा जो सिस्टम आपने बनाया उसको मिस यूज कर लें अपने स्कोर सेटल करने के लिए, तो फिर यही आपका हाल होना था। अगर आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है तो ये कोई ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये पिछले 6-7 महीने से लोगों को फैक्ट्स आ रहे हैं। आपके सवाद के लोग जो है उन्होंने जुलूस निकाले हैं और वो शोर मचा रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि ये लोग आए और आके कोई हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। उन्होंने वहाँ पे खून रेजी देखी है, उन्होंने जुल्म देखा है वहाँ पे और बर्बाद हुआ है सारा सवाद। और मेरा ख्याल ही आए हैं और यहाँ पर आपकी जो सवा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तक को थ्रेट्स आ रहे थे, तो ये सब कुछ होने के बावजूद किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है और अगर पुलिस को आपने इन्वॉल्व करके आगे नहीं करना, अगर पुलिस लीडरशिप काम करने को तैयार नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, हम ये समझते हैं कि ये सारा काम जो है ये सिर्फ आर्मी का है। ये आर्मी का नहीं है, ये आर्मी का भी है, सिविल आर्म फोर्सेस का भी है, पुलिस का भी है, सियासतदानों का भी है, अवामुन्नास का भी है। ये सब मिलेंगे और इसके इस अफरियत और इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए कोशिश करेंगे तो आपके हालात ठीक होंगे, वरना नहीं होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि लॉन्ग टर्म के लिए कानूनी जंग भी आपको लड़नी है और आपने फील्ड में भी जंग करनी है, आपको ये करने की ज़रूरत है। शाखावरे साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आपको जो जो लीगल स्ट्रक्चर है उसको आपको रिवाइव करना है और उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया था उसको ऑन ग्राउंड लाना है। अब आपका जो विटनेस प्रोटेक्शन लॉ सबने पास कर दिए, कोई इन्होंने इनसे किसी से ये पूछे कि इन्होंने कोई सेल बनाया है, इनके लिए कोई बजट रखा है कि नहीं रखा है? नहीं है। आप उस वक्त जब शोर था तो पुलिस के लिए इक्विपमेंट ले लिया, APCs ले ली। मैंने कुछ पुलिस अफसरों से बात की तो मुझे ये पता चला आधी से ज़्यादा APCs जो है वो पुरानी होकर बिल्कुल अब चलने के काबिल नहीं रही हैं। तो अगर आपका प्रायोरिटी जो है, अगर इस मुल्क में हमारी लीडरशिप की सिर्फ यही हो कि एक दूसरे पे मुकदमे कर रहे हैं और सिर्फ सियासी सिलसिला जो है उसके ऊपर एक हंगामा मचाए रखना है, और इन चीज़ों के लिए जो हमारी बका है, हमारी ज़िंदगी है और हमारा मुल्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, उस पर तवज्जो नहीं होगी तो आपके लिए ये मुश्किलात होंगी। अच्छा, इसमें शिकरी साहब एक और चीज़ मैं आगे बढ़ूँ, नेशनल एक्शन प्लान, मतलब पॉलिटिकल विल तो कहीं भी नहीं नज़र आती ना। आपने पुलिस इसलाह 2002 मुझे याद है वो लेकर आप चक्कर लगाते थे लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अब ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में अब इंसानी जान की कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है? बस ठीक है, हम एक पॉलिटिकल जेस्चर के तौर पे उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यही हो गया है। ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि आप सिर्फ जो है इंसानी जानें जो हैं वो नंबर्स हो गए हैं, इंसानी जानें जो हैं उनकी कीमत लग गई है। आप खुश हो जाते हैं कि उनके बच्चों को जाके प्यार कर लिया, उनके बच्चों को 1 करोड़ रुपए दे दिए, उनको को पेंशन दे दी और उनकी कब्र पे फूल चढ़ा दिए, ये काफ़ी नहीं है। मेरा ख़्याल है इस एटीट्यूड को तब्दील करने की ज़रूरत है। अब सिर्फ बात सिर्फ आपके आर्मी जवान, आर्मी के अफसर, पुलिस जवान और बाकी जो अवामुन्नास जो कि इसमें पिस रही है, ये उनकी जान की बात नहीं रही है, ये इस मुल्क की बका की बात है। अगर आपने इस मुल्क को बाकी रखना है तो आप इसके ऊपर तवज्जो दें और सब कुछ मिल के अपने सारे पॉलिटिकल इख्तलाफात को एक तरफ रख कर इसको यकसू होकर इस पर कार्रवाई करें। और अगर आपने ये नहीं किया
तो अल्लाह ताला हमें हम पर रहम करें। पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होंगे, हमने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है। हम नहीं चाहते कि वही खूनरेजी, वही तबाही, वही बर्बादी फिर दोबारा शुरू हो जाए। शेखावर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो कानून का जो मामला है, हर कानून ऐसे लगता है कि हम बनाते सियासी मकासद के लिए हैं और इस्तेमाल जो है वो सियासी मफादात के लिए करते हैं। कौमी तकाजे, कौमी ज़रूरत और मुल्क के लिए जो है वो कोई चीज़ नहीं होती है। और जितने भी हमने जो कुछ ये किया कागज़ी सतह के ऊपर तो बड़ा भला वो मालूम होता है, लेकिन सारा कुछ हवा में तहलील हो गया और आज हम फिर उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे हम थे। देखिए, बात यह है कि आपने अभी जब अफजल शिकरी साहब भी जो बात फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक है कि हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि हम एक नेशनल लेवल के ऊपर एक कंसेंसस और एक इत्तेहाद और जो यूनिटी है उसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और कवानीन भी अपनी जगह पे हैं, ठीक है। कवानीन जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं होने चाहिए, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होने चाहिए, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी का जो अफ्रियत है ये इतना जल्दी हमारी जान छोड़ने वाला नहीं है। ये नेशनल एक्शन प्लान जो है उसको भी रिवाइव करना पड़ेगा, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनकी लीडरशिप को भी एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि ये सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, पावर जो है गेम वो अपनी जगह पे है। लेकिन शेखावर साहब, सवाल तो ये पैदा होता है, आपको याद है जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो किस कदर शोर उठा था और ये कहा गया कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। उनका भी मतलब दहशतगर्द का क्या राइट रह जाता है जब वो इस कदर संगीन जुर्म का मुर्तकिब होता है। तो मतलब इतराज़ जो हैं वो अपनी जगह पर, आज हम स्क्वायर वन पे फिर आके खड़े हो गए हैं, अब उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि कहाँ पे इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक शुरू होते हैं और कहाँ पे नहीं होते। देखिए, आईने पाकिस्तान जो है ये पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट है पूरे रियासत को चलाने का, हुकूमतों को चलाने का। उसमें एक आर्टिकल 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि रियासत की वफादारी हर शख्स का जो है वो फर्ज अवलीन है, और कानून और आईन की पाबंदी और पासदारी भी जो है ये भी एक जो है ये इनएलियनेबल ऑब्लिगेशन है हर सिटीजन का और हर उस शख्स का जो कि पाकिस्तान में फॉर द टाइम बीइंग मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप रियासत से वफादार होंगे, आईन और कानून को मानेंगे, तब वो जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का जिसमें अरेस्ट और डिटेंशन का चैप्टर 10 आर्टिकल 10 भी मौजूद है, डिटेंशन का एक पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद है अरेस्ट का, तो वो तो उस पर अप्लाई होंगे फंडामेंटल राइट्स जो सबसे पहले आर्टिकल 5 के ऊपर अमल दरामद करेंगे। आप रियासत के वफादार पहले होंगे और आईन और कानून की पासदारी पहले करेंगे, फिर आपके बुनियादी हकूक आप पे लागू होंगे। अगर जो आपकी रियासत को ही नहीं मानता, आपके आईन और कानून को ही चैलेंज करता है और उससे बगावत करता है और उसके खिलाफ बंदूक उठाता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर जो है वो बुनियादी हकूक या फंडामेंटल राइट्स जो आईन में दिए गए हैं वो उन पे लागू होते हैं। ये बिल्कुल आंसर इज नो। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरीके से सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि हमें बहसियत कौम अपने आप को मुतहद करना होगा। आज हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो पॉलिटिकली पोलराइज हो चुकी है, घर घर में एक दूसरे के खिलाफ जो है पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं और एक नफरत का माहौल जो है वो क्रिएट हुआ है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि इस वक्त जबकि 3 दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा था और हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान जो हैं वो उसके ऑपोजिट बात कर रहे हैं, आज भी बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी खतरनाक बात है। मैं शाखावर साहब आता हूँ जी। अब जनरल साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, दहशतगर्द तो वहाँ हैं अफगानिस्तान में, और जाहिर है वहाँ की हुकूमत जो है उनके साथ मिल के, आज तालिबान की हुकूमत जो है उनके साथ मिल के लड़ते भी रहे हैं, अब वो उस तरह का दबाव उन पर डालने के लिए तैयार भी नहीं है और
वहाँ पर अब ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अलकायदा भी ऑपरेटिव हो गई है और फिर दाइश जो है वो भी वहाँ पर उसकी मौजूदगी जो है वो पाई जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बड़ी एक संजीदा सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में जबकि लोग दहशतगर्दी के लिए ट्रेन हुए हैं, लड़ाई के लिए ट्रेन हुए हैं, क्या उनसे मुज़ाकरात किए जाने, इजाज़त देना या होना ये है या ये कि नहीं एलिमिनेट किया जाना चाहिए? देखिए जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा नहीं शायद कई दफ़ा कहा कि मैं तो शुरू दिन से ही समझ रहा था कि हमने ये बहुत जल्दी हमने काम शुरू कर दिया। ये मुज़ाकरात के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, फिर मुज़ाकरात के लेवल्स हैं, मुज़ाकरात करने वाले लोग कौन हैं, वो सारा कुछ हमने किया या नहीं किया, लेकिन रिजल्ट ये है कि वो सामने आ ही गया है सर। वो भी तो मेरा मतलब है एक नॉन सीरियस सा फेज था। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब दूसरी चीज ये है, देखिए पाकिस्तान की सलामती पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल है, हमारे लिए क्रिटिकल है, एंड जब तक आप दुनिया को इसका एहसास नहीं दिलाएंगे, हमने सेल्फ इम्पोज मॉरिटोरियम है पाकिस्तान अपने ऊपर किया हुआ है। क्या वजह है कि लोग अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, अमरीका का पैसा लग रहा है बीच में, और हमने मुंह में घूंघने डाली हुई चुप करके हम बैठे हुए हैं। जब मैं बार बार पॉलिटिकल आपके बात कर रहा था, अगर पॉलिटिकल रिजॉल्व चाहिए इसके लिए, तो ये चीजें उसमें क्रिटिकल है आपको, कि आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि ये जहां से सब कुछ ओरिजिनेट हो रहा है, क्या उसको हमें ऐसे ही छोड़ देना है कि हमने उनको तालिबान के बात कह के ठीक है जी हम ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, उनको छोड़ देना है हमने? देखिए देयर आर एक जनरल देयर आर नंबर ऑफ वेज टू स्किन अ कैट, तो कैट तो स्किन आपने करनी है पाकिस्तान को बचाने के लिए। उसके लिए फिर आपके पास तरीकेकार है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास लोग हैं, आपके कुछ लोगों को इस बात की समझ भी है, बजाय इसके कि हम एक इंडिविजुअल इसका झंडा उठाते हैं। मैं आपसे एक बड़ा सीधा सवाल इस वक्त पूछता हूँ, हमारी जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, हम आईनी आज से निपटने की बात कर रहे हैं, क्या हम एक नया मिलिट्री ऑपरेशन अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए अफोर्ड करने की तो बात नहीं है ना, क्या हमने करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना तो हमने है ये। मैं मिलिट्री ऑपरेशन ऑफेंसिव बाकायदा हमले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि बहुत और बहुत से तरीके हैं। अफगानिस्तान को इस बात की समझ है कि पाकिस्तान का अगर अमन बिगड़ा तो अफगानिस्तान चैन से नहीं रह सकेगा, और अफगानिस्तान के अमन के पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है इसी पर। तो ये दोनों चीजें हम ये समझते हैं, अफगान तालिबान भी बात को समझते हैं। उनको समझाने के लिए आपके पास बहुत से ऐसे जराए हैं जो समझाए जा सकते हैं। मैं सब कुछ टीवी में बात करते हुए थोड़ा चिकचाता हूं, लेकिन ऐसे जराए हैं जिसमें कोई बात समझाई जा सकती है। और ये मत भूलिए कि उनको अब भी बहुत कुछ इस वजह से वहां पर चल रही है हुकूमत की, पाकिस्तान ने बहुत कुछ ओवरलुक किया है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। क्या हम इस तरीके से जारी रखेंगे? क्या हमें नेगोशिएशन में भी हम इतने कमजोर हैं कि हम बात नहीं कर सकते? अब जन साहब दिखाई तो ऐसे ही देता है कि जैसे हम बड़ी कमजोर विकेट से बात करते हैं, जो जेस्चर और पॉस्चर आता है वो भी बड़ा कमजोर होता है। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं, तो हम अगर हर चीज से खौफ ज्यादा होकर हमने अपने आप को कोकून कर ले हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो फिर जो आएगा आपको मारेगा। टोटल डिफेंसिव पे रहकर आप ये जंग नहीं जीत सकते, कोई आज तक नहीं जीता इस जंग से। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जा रही है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्त। वेलकम बैक शिकरी साहब। अब सवाल ये पैदा होता है कि जाहिर है कि बुनियादी तौर पे शहरों का अमन अमान पुलिस की जिम्मेदारी है, और पुलिस जो है वो सूबाई अलमदारी में है, और ये मामला जो है ये अब बढ़ता जा रहा है और पुलिस को भी टारगेट किया जा रहा है उसी तरीके से जिस तरह फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है। अब क्या चीज़ इवॉल्व हो कि पुलिस का सिस्टम जो है वो उसका मुकाबला कर सके, और जो वो फ्रंट लाइन के ऊपर हैं तो वो उसको रोकने की
कोई पोजीशन में आ सकें या ये कि उसके कोई सदेबाप की कैफियत में आ सकें? एक सीधी बात तो ये है कि पुलिस जो है वो एक यूनिफॉर्म फोर्स है, और अब हाल ही है कि जो पंजाब की पुलिस है वो तकरीबन 2 लाख के करीब हो गई है, सिंध की पुलिस को 1,30,000 है, इसी तरह से के पी के की पुलिस बहुत बड़ी फोर्स है और उसका एक कमांडर है जनरल साहब, इस सारे जो मैं बात कर रहा हूँ उसको इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगर उस कमांडर को आप हाल ये कर दें कि उसका एक चपरासी बना दें और आप उसको अपने विम्स के ऊपर जब चाहें कि उसको 2 महीने बाद कान से पकड़ के निकाल दें, उसको ख़ुद भी नहीं पता हो कि मैं कितने दिन यहाँ पर हूँ, तो उस कमांड से, उस पुलिस फोर्स से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा ख़्याल है इनको ये पाकिस्तान की बका के लिए पुलिस फोर्स को ऑपरेशनली इंडिपेंडेंट करके और उसको इस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो एक उसका टेन्योर हो और वो कार्रवाई करे, और अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता है तो उसके ऊपर फिर सिर्फ यही नहीं कि उसको ट्रांसफ़र करें, आप ग्राउंड्स देके उसको फारिग करें, लेकिन अगर आप उसको काम ही नहीं करने देते, उस काबिल ही नहीं रहता कि वो अपने फोर्स को इंट्रोड्यूस हो जाए, हालात को समझ जाए, तो फिर किस तरह से आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको नहीं? अब शिगरी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों ने भी कोशिश करके देख ली, नतीजा नहीं बरामद हुआ, कि पुलिस जो है वो एक ऐसा इदारा है जो बदतरीन तरीके से पोलिटिसाइज्ड है। अब अगर एसपी ने एमएनए की सिफारिश पर लगना है, एसएसपी ने एमपीए की सिफारिश पर लगना है, फिर वो ताल्लुकदारियाँ ढूंढी जानी हैं, फिर रिश्तेदारियाँ बीच में से निकलनी हैं, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कैसे एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर सकते हैं कि वो कंबाट करेगा ऐसी सूरत हाल को? इसीलिए सीटीडी बनाई गई थी, उस वक्त जनरल रहील शरीफ ने इंटरेस्ट लिया था, फ़ौज ने ट्रेनिंग की थी, लेकिन बन्नू के वाक़े ने बता दिया कि उसकी भी कैपेसिटी और उसकी सलाहियत भी जो है वो मटियो मटी हो गई है, कि सीटीडी जैसे इदारे के दफातर किराए के मकानों में हैं, टेररिस्ट आप वहाँ रखते हैं, हिफाजत का कोई निज़ाम नहीं है। तो वही है, मैंने वही उसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया। तो अब अगर ये तो इस मुल्क की बका की बात है, और ये तो एक मौजज़ा है कि ये पुलिस फोर्स अभी तक खड़ी है और लड़ रही है और हिम्मत से लड़ रही है, और मैं इनको सलाम पेश करता हूँ कि इन तमाम हालात के बावजूद भी आज भी हर पुलिस का जवान, हर पुलिस का अफसर, हर पुलिस का कमांडर लड़ने को तैयार है। लेकिन अगर उस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं इस पोस्ट के ऊपर, इस कमांड पोस्ट पर कब तक मैं रहूँगा, तो आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते? आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है कि क्या वो इनको ऑपरेशंस को जो इन्फॉर्मेशन है उसको सारे को एनालाइज करके अपना कोई स्ट्रेटजी बना सकता है? नहीं। तो इस इश्यूज़, इस प्रॉब्लम के साथ अब अगर आप ये उम्मीद करें कि इससे बेहतर आपको रिजल्ट दे सकता है, तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, और ये आपको अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड, ये सारे सियासी लीडर्स को समझना चाहिए कि इस पाकिस्तान की बका, इस पाकिस्तान की भलाई इसी में है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो आपका सारा स्ट्रक्चर है उसको आप काम करने दें और उसके काम में मुदाखलत न करें, और रेड लाइन होनी चाहिए कि जो उसको क्रॉस करे उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाए। अब शाह खावर साहब, ये फरमाइएगा कि क्या किया जाए, मतलब रिवाइवल ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स हो, क्या हो, कि ये लोग अगर पकड़े जाते हैं तो फिर इनको सज़ा मिलनी चाहिए? ये तो ज़मानत करते हैं, बाहर आ जाते हैं, फिर उसी धंधे में लग जाते हैं। जी देखिए, इस पे तो कानून साजी की बहुत अशद ज़रूरत है, और हमें ये जो हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट है जो बुनियादी तौर पर लिंग्विस्टिक और जो सेक्रेटेरियन टेररिज्म था उसके लिए बना था, वो उसी के गिर्द रिवॉल्व हो रहा था। हमें दहशतगर्दी से निपटने के लिए मजबूत कानून साजी की जरूरत है, जिस तरीके से मैंने अर्ज किया कि 2013 में एक कानून बना था, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट, वो हमें दोबारा परमानेंट बेसिस पे बनाना पड़ेगा, जिसकी प्रोसिक्यूशन, जिसकी इन्वेस्टिगेशन वो प्रोफेशनली हुई इन द वेक ऑफ टेररिज्म, वो बाकी जराइम के साथ उसका ताल्लुक ना हो, वो उसको डील करे, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजों का जो है वो तदारक कर सकते हैं ऐसे मिसक्रिएट्स का।
और दूसरी अभी जो शिकरी साहब ने एक बात की, वो पुलिस में जो इनकंसिस्टेंसी है चेंज ऑफ कमांड में, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी वजह है। जब तक हम पुलिस को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, देखिए पुलिस को हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा होता है, पुलिस को या उसके मुलाजम को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारी आर्म फोर्सेस बॉर्डर्स के ऊपर और स्ट्रेटेजिक जगहों के ऊपर हमारी हिफाजत करती है दिन रात, पैरामिलिट्री फोर्सेस करते हैं, इसी तरह पुलिस जो है ये इंटरनली ये जो लोकल जो मुलजम है, मुजरिमान है, मिसक्रिएंट्स है, उनके साथ डील कर रहे हैं। आपको रात को गर्मी हो सर्दी हो मुख्तलिफ जगहों पर आपको नाकों पर पुलिस अपने जवान और उनके अफसरान जो है वो अपने हथेलियों पर जान रख कर मुकाबला कर रहे होते हैं 24 आवर्स। इसमें मैं जरा वापस आपको शाखावर साहब ले जाना चाहता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं कि कानून साजी की देते क्या है जी, आप जो शाखावर साहब, जब तक हम पुलिस को जी एट पार नहीं लाएंगे आर्म फोर्सेस के लेवल तक और उसमें एक कंसिस्टेंसी कमांड में नहीं होगी, आप उनसे अच्छे रिजल्ट्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, दूसरा इसके ऊपर ये नहीं, एक मिनट शाखावर साहब, एक सेकंड जरा शाखावर साहब, मैं जरा आपको वापस ले जाना चाह रहा हूँ जो आप कानून साजी की बात कर रहे हैं। जब पॉलिटिकल डिवाइड इस कदर, आपको याद है इमरान खान साहब ने जुलूस निकाल दिया था, लॉन्ग मार्च कर दिया था कि ये कार्रवाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, तो अब ऐसी सूरत हाल में नतीजा तो अवाम भुगतते हैं, नतीजा सिक्योरिटी फोर्सेज भुगतती हैं, नतीजा वो लोग भुगतते हैं जो फ्रंट लाइन पे इसको फेस कर रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में से क्या निकल सकता है कि क्या बेहतर कानून साजी निकल सकती है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपको उस लेवल की एक नेशनल कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है, जिस तरह के वो सानिया हुआ था आपका एपीएस का, पेशावर का, उसके बाद आपने देखा कि एक बाकायदा इजलास हुआ, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया गया, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को हुकूमत में और जो आर्म फोर्सेस में जो लोग थे सबको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे किया गया। जब तक आप वो वाला एक कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे, उस तरह की यकजहती डेवलप नहीं करेंगे, तो वो नहीं होगा। मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा है, जनरल साहब ये फरमाइएगा कि यहाँ पे तो इजलास कौमी सलामती कमेटी का हो तो पॉलिटिकल डिवाइड के लोग ही नहीं आते हैं, उनको मना कर दिया जाता है या जो भी है। अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या इत्तफाक राय पैदा करेंगे? इतने 6-6 घंटे के आप इजलास कर रहे हैं, आप उसके अंदर फैसले कर रहे हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो एक सियासी अज़्म पीछे नहीं है, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए यही तो सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी रही है, वो पॉलिटिकल विल नहीं थी हमारी जिसने इस सारे सिस्टम को आगे लेके चलना था, और फिर अपने इख्तियारात की जंग वगैरह है। देखिए ये आपने करना है, इसमें ये नहीं कि आपका होगा या नहीं होगा, और हुकूमत वक्त के फराइज में ये शामिल है। अगर उसके लिए अपने जो अपोजिशन इस वक्त बैठी हुई है, इमरान खान साहब लोग हैं, उनके पास चल के जाना पड़ता है, उनकी कुछ डिमांड्स मांगनी पड़ती हैं, तो कौमी सलामती ज्यादा अहम है कि मेरा हुकूमत में रहना ज्यादा अहम है? हम फैसला साजी में हमारे अपने जातियात और अपने मफादात हैं वो ज्यादा उभर के सामने आते हैं। हम हर चीज को उस नुकता नजर से देखते हैं, इसमें मेरा सियासी फायदा होगा या नुकसान होगा, पाकिस्तान का फायदा होगा तो सबका फायदा होगा, फायदा होगा ये जी। जनसा मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया अफसर शिकरी साहब, बहुत शुक्रिया शाखावर साहब। नाज़रीन आपने हमारे पैनल की शुरुआत की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।